दोस्तों देश में बहुत सारे लोन हैं, जैसे हो बिजनेस लोन हो गया, होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया। उसी तरह एक और लोन है जिसका नाम है कॉर्पोरेट लोन, और इस लोन के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होते हैं। दोस्तों ये लोन अधिकतर बड़े बड़े बिजनेसमैन को मिलते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है इसी लोन को लेते हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से इस कॉर्पोरेट लोन के बारे में, किसके क्या क्या फ़ायदे हैं और आखिर इसको कैसे अप्लाई किया जाता है और क्या क्या प्रोसेस है। तो इन सभी बातों को आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको भी इसके बारे में थोड़ा जानकारी मिल ही जाए। तो नमस्कार, महाकाल टेक के साथ मैं तरुण, और आप सभी को स्वागत है आपका अपने चैनल महाकाल टेक में। दोस्तों जैसे कि आपको बता दें, कॉर्पोरेट जो लोन है ये लोन देश के बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े बिजनेसमैन और अरबपतियों को ये लोन मिलता है, क्योंकि ये लोन बहुत ही महंगा लोन है। और ऐसे में ये लोन जो है गिने चुने लोग को मिलता है, पर ये लोन जो है हर कोई ले सकता है। पर इसके लिए कुछ नियम और शर्त जो है बैंक की ओर से किया गया है। जब इस लोन को कोई भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी जब इस लोन को लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक सबसे पहले कुछ शर्त वहाँ उसके सामने रखते हैं और कुछ जो काबिलियत और कुछ जो कंपनी के स्टेटस चेक करते हैं। अब क्या क्या, चलिए अब जानते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए कोई उद्योगपति अगर कोई बैंक के पास इस लोन को लेने के लिए जाते हैं, तो बैंक सबसे पहले उस कंपनी का रेवेन्यू चेक करता है कि इसका रेवेन्यू कितना है, मंथली रेवेन्यू कितना है, इसका सालाना रेवेन्यू कितना है। उसके बाद प्रोजेक्ट लोन चेक करता है कि आखिर इतने इससे पहले इसने जो जो अलग अलग बैंक से लोन लिया था, इसका जो इसका परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है, ये लोन चुका पाएगा या फिर नहीं, उसका इनकम और उसके बैंक स्टेटस चेक करते हैं, ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, बैंक के ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं। और इन सारे को चेक करने के बाद उसके कंपनी के प्रॉपर्टी चेक करते हैं, और इन सारे को चेक करने के बाद जो है कोई भी बैंक जो है बड़े बड़े उद्योगपति को लोन देते हैं। दोस्तों ये तो लोन मिल जाता है, और इसके लिए क्या होते हैं कि ईएमआई सेट किया जाता है, और उसी के हिसाब से बैंक के हिसाब से ईएमआई और उसमें ब्याज दर ठीक किया जाता है और सेट किया जाता है कंपनी और बैंक की ओर से। अब दोस्तों बात आता है कि बहुत सारे कंपनी, आप सोचेंगे माइंड में आएगा कि बहुत सारे कंपनी मान लीजिए बहुत अगर पैसा ले लिया उधार में, बैंक से ले लेता है वो लोन में, और उसके बाद अगर पैसा नहीं चुका पाया तो क्या होगा, बैंक डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका भी एक प्रोसेस है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी या फिर कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन मान लीजिए लोन ले लिया, बहुत बड़ी रकम ले लिया, और ऐसे में वो पैसा नहीं चुका पाया, तो इसके लिए बैंक का कुछ नियम और शर्त है, और जिसके बाद बैंक उस पर कुछ कार्रवाई करते हैं। चलिए फिर जानते हैं कि आखिर इसका क्या क्या प्रोसेस है और जिसके बाद जो है बैंक उस पर कार्रवाई करते हैं और किस तरह से बैंक पैसा की वसूली करते हैं। दोस्तों जब कोई बिजनेसमैन या फिर कोई कंपनी कॉर्पोरेट लोन को नहीं चुका पाते हैं, तो सबसे पहले बैंक उसको 3 महीने का टाइम देते हैं, और उस 3 महीने के अंदर भी अगर पैसा को नहीं चुका पाता है तो बैंक उसको NPA घोषित कर देता है। NPA का मतलब हो गया नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स, घोषित कर देता है। उस बिजनेसमैन के ऊपर सूट फाइल किया जाता है, और सूट फाइल करने के बाद डेथ रिकवर ट्राइब्यूनल करार देता है, और इसके अंतर्गत उसके जो सिक्योरिटी के तौर पर जो प्रॉपर्टी रखा गया था उस प्रॉपर्टी पर उस पर नोटिस किया जाता है, और 60 दिन तक उसको टाइम देता है। और 60 दिन के टाइम देने के बावजूद भी अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है उस बिजनेसमैन की ओर से, उस कंपनी की ओर से, तो बैंक उस पर कार्रवाई करती है और उसकी संपत्ति को नीलाम भी करती है। तो ऐसे में दोस्तों जो होते हैं कि बहुत बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं पैसा चुका देते हैं, और इसको इस लोन को बड़े बड़े फाइनेंशियल जो कंपनी भी देते हैं और बड़े बड़े जो है बैंक भी देते हैं। बहुत सारे बैंक हैं जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो है कॉर्पोरेट लोन देते हैं। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे चलिए इस तरह के और टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय जवाहर, वंदे मातरम, धन्यवाद।